today. How are you? Hope you all are doing great. You all are fine. Now, today I am going to teach you one more interesting topic about conjunction. Can anyone tell me what is conjunction? Aapne naam suna ho ya kuch kisi se suna ho ki conjunction words hai. Ye hamare sentences mein bahut useful hote hain. Yes. कंजंक्शन आज मैं आपको बताऊंगी कंजंक्शन का मतलब क्या होता है, वो हमारे सेंटेंसेस में कैसे यूज होते हैं. सबसे पहले मैं बताऊंगी कंजंक्शन वर्ड से आपको क्या समझ आ रहा है. अगर मैं बोलूं ये हमारा ब्लॉक है और ये भी हमारा सेकंड ब्लॉक है, ओके, तो ये वन सेंटेंस है या वन ब्लॉक है या टू सेंटेंस है, और आई कैन से ये सेकेंड ब्लॉक है, ओके. अगर ये हमारा बीच में मैंने फेविकोल ले आई कंजंक्शन, ठीक है, ये कंजंक्शन क्या करता है हमारा, अगर मैंने इस ब्लॉक पे फेविकोल पेस्ट की तो इसने क्या किया, इन दोनों को जोड़ दिया. मतलब एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से जोड़ने का काम कौन करता है, कंजंक्शन. कौन करता है, कंजंक्शन. अब मैं आपको जैसे बताऊंगी, आपको पता है इंग्लिश की दुनिया में ये बहुत बड़े पंडित है और हम कह सकते हैं काजी है, इंग्लिश की दुनिया के फादर है कंजंक्शन. आप बोलोगे मैम कैसे, जैसे हमारे पंडित या हमारे जो काजी होते क्या काम करते हैं, रिश्तों को जुड़ाने का काम करते हैं, रिश्ते जोड़ते हैं. जैसे एक लड़के का एक लड़की से रिश्ता जोड़ते हैं ना, कौन जोड़ते हैं बीच में, पंडित जोड़ते हैं. वैसे ही हमारे क्या होते हैं, जो कंजंक्शन होते हैं वो हमारे एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस में लिंकिंग मतलब ज्वाइनिंग करके उसको जोड़ने का काम करते हैं. Like, अगर मैं बोलूं कि जो हम अपनी बात कहने वाला हो समझने वाला हो या मैं अपनी बात कहना चाहती हूँ, ओके, और जो अपनी बात मैंने अगर अपनी बात कही तो सामने वाला समझ जाए, ओके, तो वो क्या कौन काम करता है, वो कंजंक्शन काम करता है. इफ आई एम सेइंग टॉम एंड जेरी आर बेस्ट फ्रेंड्स, अब सबको पता है कि टॉम एंड जेरी तो बेस्ट फ्रेंड है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है. टॉम एंड जेरी, तो एंड ने क्या किया, दोनों को छोड़ने का काम किया. इफ सेकंड एग्जांपल अगर मैं आपको देती हूँ, आई लाइक हिम बट माय फादर डज नॉट लाइक हिम. अगर मैं ये बोलती आई लाइक हिम, मुझे वो पसंद है, माय फादर डज नॉट लाइक हिम, मेरे पापा को वो पसंद नहीं है, ये तो सिंपल इंडिपेंडेंट सेंटेंस हो गए. लेकिन इफ आई एम सेइंग आई लाइक हिम, मैं उसे पसंद करती हूँ या करता हूँ, बट लेकिन My father does not like him. मेरे पापा उसे पसंद नहीं करते, मेरे फादर उसे पसंद नहीं करते. तो बट ने क्या काम किया, बट ने उन दोनों सेंटेंसेस को आपस में जोड़ के एक सेपरेट एक मेन सेंटेंस बना दिया कि मैं तो उसे पसंद करता हूँ बट मेरे पापा उसे पसंद नहीं करते. तो कंजंक्शन का काम यही होता है, डिफरेंट फ्रेजेस को वर्ड्स को और सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करता है, ओके. सिर्फ कंजंक्शन ये करता है और कंजंक्शन का कोई काम नहीं होता, ये कोई ना हमें पोजीशन बताता है ना ही हमें कोई एक्शन बताता, ओके. बस सिर्फ उसका काम होता है कि हमें उन दोनों सेंटेंसेस वर्ड्स और फ्रेजेस को आपस में जोड़ने का काम कौन करता है, बोलो कौन करता है, कंजंक्शन करता है. अब जैसा कि आप देखोगे नीचे मैं आपको बताती हूँ और अच्छे से, लाइक इफ आई एम सेइंग कंजंक्शन वर्ड्स दैट जॉइंस अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स और सेंटेंसेस आर कॉल्ड कंजंक्शन. जैसे मैंने आपको बताया दे अपीयर एट द लाइक बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस और विदिन अ सेंटेंस की, या तो ये हमारे कंजंक्शन सेंटेंस के आपको शुरू में दिखेंगे या सेंटेंस के बीचों बीच दिखेंगे. वी एड अ कॉमा और टू पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस इफ वी बिगिन द सेंटेंस विद द कंजंक्शन. हम क्या करते हैं, अगर हमारा कंजंक्शन सेंटेंस के स्टार्टिंग से शुरू हो रहा है, ओके, सेंटेंस के स्टार्टिंग में शुरू हो रहा है, वो मैं नीचे आपको एग्जाम्पल बताऊंगी तब आपको और अच्छे से समझ आएगा. तो अगर वो हमारे सेंटेंस के स्टार्टिंग में शुरू हो रहा है तो हमें सेंटेंस में कॉमा, हम उसके पूरे सेंटेंस के बीच में जहां कॉमा का जरूरत है, जहां कॉमा रिक्वायर्ड है, हम वहां पे वो कॉमे का यूज करेंगे. हमारे कुछ कंजंक्शंस होते हैं लाइक सो और बिकॉज एंड बट सिंस एस. अब हम इनके यूज देखेंगे हम कैसे करते हैं, कि मैम आप बोलो कि मैम ये एंड का यूज कहाँ पे होता है और का यूज कहाँ पे होता है. चलो ये सारे तो हमारे कंजंक्शन है बट इनका मैम ये तो बता दो यूज होता कहाँ पे है, ओके. देखिए जैसे हमारा एंड है, फर्स्ट हम लेंगे एंड. वी यूज एंड टू कंबाइन सिमिलर आइडियाज और टू एड इट्स मिशन. हम एंड का यूज जब हमारे सिमिलर आइडियाज होते हैं उसमें यूज, लाइक सिमिलर आइडिया है तो उसमें हम यूज करते हैं
एंड कि हमारे अगर आइडिया सिमिलर है और हम किसी टाइप की कोई इंफॉर्मेशन को आपस में ऐड करने के लिए वी ऑलवेज यूज एंड। एग्जांपल्स और अच्छे से समझेंगे। आई लाइक चॉकलेट, आई लाइक आइसक्रीम। अगर मैं ये बोलती हूँ आई लाइक चॉकलेट, आई लाइक आइसक्रीम, तो बोथ आर इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस। ठीक है, मुझे आइसक्रीम भी पसंद है, मुझे चॉकलेट भी पसंद है। ठीक है, तो मैं बार बार आई लाइक ये, आई लाइक वो ऐसे तो नहीं बोलूंगी, मैं वन टाइम बोलूंगी। सिमिलर आइडिया है ना मेरा, क्योंकि मुझे वो पसंद है, तो मेरा आइडिया तो एक ही है ना कि आई लाइक चॉकलेट्स एंड आइसक्रीम, कि मुझे चॉकलेट और आइसक्रीम पसंद है। कौन सा सेंटेंस बेटर लगा? ये वाला बेटर लगा ना जिसमें कंजंक्शन यूज हुआ है। अब मैं बोलूंगी पीटर कैन प्ले फुटबॉल एंड बैडमिंटन। अब मैं अगर ये बोलती पीटर कैन प्ले फुटबॉल, पीटर कैन प्ले बैडमिंटन, तो कितना अजीब सा लग रहा है ना। बट मैं सिंपल सिमिलर आइडिया तो मैं बोल सकती हूँ पीटर कैन प्ले फुटबॉल एंड बैडमिंटन, राइट। रीटा बॉट सम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, रीटा ने कुछ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खरीदे। द बर्ड कैन फ्लाई एंड हो, द बर्ड कैन फ्लाई एंड हो। नाउ वेयर वी यूज और कंजंक्शन, द कंजंक्शन और इज यूज टू ज्वाइन वर्ड्स और सेंटेंसेस दैट ऑफर्स अ चॉइस बिटवीन टू और मोर ऑप्शंस। हम और कंजंक्शन का यूज तब करते हैं जब हम किसी को कोई चॉइस ऑफर कर रहे हैं, ठीक है, कोई ऑप्शन दे रहे हैं। एग्जाम्पल से समझेंगे, डू यू वॉन्ट अ कपकेक, क्या आपको कपकेक चाहिए, और डू यू वॉन्ट अ ब्राउनी। मैं ऐसे थोड़ी पूछूंगी, मैं ऐसे नहीं पूछूंगी, मैं उनसे बोलूंगी सर डू यू वॉन्ट अ कपकेक और ब्राउनी। मैंने और वर्ड और कंजंक्शन यूज कर दिया, मैंने दो सेंटेंस लिखने की बजाय एक कंजंक्शन वर्ड से उन दोनों को एक सेंटेंस बना दिया कि सर डू यू वॉन्ट अ कपकेक और अ ब्राउनी, क्या आपको कपकेक चाहिए या ब्राउनी चाहिए। ओके, तो मैं उसको एक चॉइस ऑफर कर रही हूँ, एक उसको ऑप्शन दे रही हूँ। अब आपके घर में अगर गेस्ट आते हैं तो आप कैसे बोलते हो, अंकल वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी और कॉफी, ऐसे ही तो बोलते हो। अंकल वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी और कॉफी, और से आपने और वर्ड से क्या कर दिया, उनको ऑप्शन दे दिए टी और कॉफी। तो क्या किया कंजंक्शन ने, हमारे दो ऑफर्ड्स को दो सेंटेंसेस लिखने की बजाय हमारे एक सेंटेंसेस में और ने अपना यूज करके उसमें रिलेशनशिप डेवलप कर दिया। वी कैन ईट पिज्जा और बर्गर, क्या मतलब हम पिज्जा भी खा सकते हैं और बर्गर भी खा सकते हैं। नाउ नेक्स्ट कम टू बट, वी यूज बट टू ज्वाइन वर्ड्स और सेंटेंसेस दैट हैज ऑपोजिट आइडियाज और टू शो अ डिफरेंस, कि मतलब जो ऑपोजिट आइडिया में तो ऑपोजिट होते हैं और वो डिफरेंस दिखाते हैं। एक लाइक वी कैन से मतलब एक उसमें पॉजिटिव है तो एक उसमें नेगेटिव है, तो डिफरेंस हो गया उन चीजों में। लाइक एग्जाम्पल से समझेंगे, शी इज पुअर बट वेरी काइंड, वो गरीब है लेकिन, लेकिन क्या है, वो गरीब तो है लेकिन वो बहुत दयालु भी है। तो ऑपोजिट आइडिया हो गया ना, एक उसमें डिफरेंस हो गया कि वो गरीब है तो क्या हो गया, लेकिन उसमें क्वालिटी भी तो है, वो बहुत दयालु भी तो है। आई लाइक एप्पल बट आई डोंट लाइक ऑरेंजेस, मुझे एप्पल पसंद है लेकिन मुझे ऑरेंजेस नहीं पसंद है। तो एक डिफरेंस दिखा दिया, ऑपोजिट आइडिया दिखा दिया। He hit the ball but dropped the bat. उसने बॉल को मारा बट उसके हाथ से बैट नीचे गिर गया। Now we can use as. Where we can use as? अब मैं आपको बताऊंगी कि as का यूज हम कहाँ करते हैं। जैसा कि आपको पता है as एक एडवर्ब भी होता है, इसका यूज हम करते हैं किसी भी काम के तरीके को बताने के लिए, किसी भी काम के तरीके को बताने के लिए भी यूज as। अब आप एग्जाम्पल देखो आपको और अच्छे से समझ आएगा। यू रोट एज आई सेड, मतलब तुमने वैसे लिखा जैसा मैंने बताया था, मतलब जिस तरीके से मैंने बताया था तुमने बिल्कुल वैसा लिखा, एक तरीका बताया ना, काम करने का तरीका बताया था कि भाई जैसा मैंने कहा था वैसा तुमने लिखा। यू डिड एज आई सेड, तुमने वैसा किया जैसा मैंने कहा, तुमने कैसा किया, वैसा किया जैसा मैंने तुम्हें तरीका बताया। तो उसने तरीका बताया कि जैसा मैंने किया तुमने वैसा ही किया, वैसा ही कहा। विराट कोहली प्लेड जस्ट एज His coach said, विराट कोहली ने अच्छा खेला, विराट कोहली वैसे ही खेला जैसे कि उसके कोच ने उसको कहा था। तो क्या हुआ, एक तरीका बताया था कि विराट तुम्हें ऐसे ही खेलना है, तो विराट ने कैसे खेला, उसी तरीके से खेला जैसे उसके कोच ने उनको बताया था। Now hope you understood the concept, okay? Now
आप बोलो कि मैं ये क्या लिखा है, बी यू ऑल्सो यूज एज टू एड इंफॉर्मेशन. हम किसी भी इंफॉर्मेशन को ऐड करने के लिए, कोई भी इंफॉर्मेशन को ऐड करने के लिए भी एज का यूज करते हैं. लाइक अगर मैं एग्जाम्पल दू आपको, एज यू नो वी बिलीव क्वालिटी एजुकेशन, जैसे कि आपको पता है कि जो स्मार्टलेट होता है, हमारा स्मार्टलेट है ना, वो क्वालिटी एजुकेशन में बिलीव करता है. तो ये क्या है, एज यू नो, जैसा कि आपको पता है. ये देखो मैंने आपको ऊपर बताया था ना कि हमारा ये, अगर हम, हमारा कोई भी कंजंक्शन सेंटेंस के स्टार्टिंग में आएगा तो हम वी ऑलवेज यूज कॉमा इन कॉमा विद इन अ सेंटेंस. तो हमने क्या किया, अगर हमारा कंजंक्शन एज स्टार्टिंग से शुरू हुआ तो हमने बीच में कॉमे का यूज किया ना, तो वही चीज हमने आपको ऊपर बताई थी. तो अब इसमें ये देखो, एज यू नो वी बिलीव क्वालिटी एजुकेशन, कि आपको भी पता है, मतलब जैसे कि आप जानते हो कि हम, हमारा स्मार्टलेट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में बिलीव करता है. एज आई सेड, जैसा कि मैंने कहा था, ये भी देखो शुरू में एड इंफॉर्मेशन. अब अगर हम, मैं इसके आगे एड कर दू, एज आई सेड आई लाइक यू वेरी मच, जैसे कि मैंने कहा था कि मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ, है ना, तो इसने एक इंफॉर्मेशन एड कर दी. एज यू आस्क्ड अबाउट हिम, जैसा कि आपने उसके बारे में बताया था, और आगे कुछ भी आप सेंटेंस एड कर सकते हो. ओके, होप यू क्लियर द सेम स्टूडेंट्स. एनी डाउट, एनी क्वेरी, आप मुझे बीच में स्टॉप करके पूछ लेना. ओके, नाउ वेयर वी यूज बिकॉज, वी यूज फॉर रीजनिंग. हम बोलोगे मैम रीजनिंग क्या होती है, रीजनिंग कैसे, रीजन बताने के साथ साथ जैसे हम एज का प्रयोग करते ना तरीका बताने के लिए, तो रीजन बताने के लिए भी एज के साथ साथ बिकॉज का भी यूज होता है. जब भी मेन बात हो, जब भी मेन बात हो या कारण हो, तो वी यूज बिकॉज. ठीक है, अब आप बोलोगे मैम कैसे, एग्जाम्पल से समझते हैं. लाइक एग्जाम्पल, आई वॉज एबसेंट बिकॉज आई वॉज इल. ठीक है, I was absent, मैं absent था. क्यों? क्या reason था? What is the reason? Because I was ill. अगर मैं बोलूँ I was absent तो ये तो कोई, ठीक है I was absent, ठीक है ना? But reason क्या था? Tell me the reason why you were absent. तो I was absent because I was ill, because मैं बीमार था. एक कारण बता दिया, main specific कारण बता दिया, ठीक है, एक main बात बता दी. Clara went to bed early. Clara अपने bed पे जल्दी चली गई सोने. क्यों? मैं क्यों गई? वो तो रेगुलर भी तो जाती होगी क्लारा अपने बेड पे. बिकॉज वो जल्दी इसलिए गई उस दिन, बिकॉज शी वॉज वेरी टायर्ड, क्योंकि वो बहुत थक गई थी. राम डिड नॉट गो आउट टू प्ले, राम बाहर खेलने नहीं गया. व्हाट इज द रीजन राम? बिकॉज इट वॉज रेनिंग, क्योंकि बाहर बारिश हो रही थी. नाउ होप यू क्लियर द सीन, समझ आया? बिकॉज का यूज हम कैसे करते हैं, एक रीजन बताने के लिए, एक स्पेसिफिक रीजन होता है ना, भी मेन रीजन क्या था हमारा, उस रीजन को प्रेजेंट करने के लिए, उस रीजन को बताने के लिए वी ऑलवेज यूज बिकॉज. नाउ सो, अब सो कंजंक्शन का यूज आप कहोगे मैम ये कहाँ पे होता है? प्रेजेंट से कॉन्सिक्वेंस और रिजल्ट, वो कहता है कि इसको यूज हम तब करते हैं जब एक रिजल्ट को दिखा, कोई कारण होता है किसी चीज को करने के. लाइक हम एग्जाम्पल से समझेंगे, इट इज रेनिंग सो आई एम गोइंग आउट विद माई अम्ब्रेला. अब मैं बोलू आई एम गोइंग आउट विद माई अम्ब्रेला, मैं भाई अपना अम्ब्रेला लेके बाहर के क्यों गए? धूप थी इसलिए गए, रेनिंग रेनी और रेनी सीजन था इसलिए गए? नहीं, वो कह रहे मैम इट इज रेनिंग, बाहर बारिश हो रही है, तो मैं अपने अम्ब्रेला को साथ लेके जा रहा हूँ. तो क्या हुआ ये, क्या कारण था अम्ब्रेला को साथ लेके, क्या कॉन्सिक्वेंस था? भाई बाहर बारिश हो रही है, तभी तो मैं अपने अम्ब्रेला को बाहर लेके जा रहा हूँ, यही तो रीजन था. आई हैड नॉट डन माई होमवर्क सो आई अपोलोजाइज टू माई टीचर. कि मैंने, अब मैं बोलू कि आई अपोलोजाइज टू माई टीचर, भाई आपने अपोलोजाइज तो किया, क्यों किया वो, क्यों किया, क्या कारण था, क्या कॉन्सिक्वेंस था? बिकॉज आई हैड नॉट डन माई होमवर्क, मैंने अपना होमवर्क नहीं किया था. I wanted to clear the entrance exam, so I studied whole night. मैं पूरी रात पढ़ा. क्यों पढ़े भाई, क्या रीजन था? Because मैं अपने entrance test को clear करना चाहता था. That is the main reason. I studied whole night. यही मेरे पास reason था, यही कारण था कि मैं पूरी रात पढ़ा. Cleared? Now, students, मुझे उम्मीद है सबको अच्छे से समझ आया होगा. Okay. अभी मैं आपको एग्जाम्पल भी आपसे पूछूंगी तो आप और अच्छे से समझ पाएंगे. एज इट वॉज रेनिंग नेहा डिड नॉट गो टू स्कूल.
जैसा कि बाहर बारिश हो रही थी, नेहा अपने स्कूल नहीं गई, तो ये क्या है एस का? मैंने क्या बताया था क्यों यूज करते हैं? अच्छा स्टूडेंट्स, आपको पता है एस का यूज हम मेनली फॉर्मल सेंटेंसेस में ज्यादा यूज करते हैं, बिकॉज जो होता है ना इनफॉर्मल सेंटेंसेस में, आजकल जो बड़ी बड़ी कंपनीज में, बड़े बड़े ऑफिस में जो एस का यूज होता है वो एक फॉर्मल तरीके के लिए यूज करते हैं, बट जो बिकॉज होता है वो इनफॉर्मल तरीके से हम यूज करते हैं. ओके, नाउ कम टू द पॉइंट. एज इट वॉज रेनिंग नेहा डिड नॉट गो टू स्कूल. जैसे कि बाहर बारिश हो रही थी, नेहा क्यों स्कूल नहीं गई, क्या रीजन था? एज इट वॉज रेनिंग. एक मैंने आपको क्या बताया था कि उसको हम रीजन बताने के लिए भी करते हैं. द हाउस वॉज फिल्ड विथ जॉय बिकॉज ऑफ द लिटिल पेट. तो रीजन क्या था? अब इसमें देखो क्या कारण था, मैंने आपको क्या बताया था, रीजन बताने के लिए करते हैं बिकॉज का. तो हाउ, जो हमारा घर था वो खुशियों से चहक उठा था. क्यों खुशी से चहक उठा था? क्यों? व्हाट वाज द रीजन? बिकॉज ऑफ द लिटिल पेट. एक छोटे से पेट की वजह से हमारा पूरा घर खुशियों से झूम उठा था. सिंस इट वॉज विंडी. अब आपको पता है, मैं आपको एक चीज और बताती हूँ, जो सिंस होता है वो हम किस लिए यूज करते हैं? टाइम को बताने के लिए. वैसे आपको पता है सिंस और एज हमारे जो है वो है, तो सिंस और एज है वो हमारे जुड़वा भाइयों की तरह है, ठीक है ना? तो जुड़वा भाइयों की तरह है वो, हमें जुड़वा उसमें तरीके से यूज करते हैं. अब जैसे कि सिंस का हमने टाइम के लिए किया कि सिंस इट वॉज विंडी, भाई बाहर हवाएं चल रही थी. टाइम बता रहा है ना कि वी डिसाइडेड टू फ्लाई काइट. ये हमारा मेन रीजन क्या था भाई? पहला रीजन कोई मैटर नहीं करता. अगर मैं बोलूँ सिंस इट वॉज विंडी, इंडिपेंडेंट सेंटेंस से कोई मैटर नहीं करता, जब तक मैं उसमें ये ना बोलूँ वी डिसाइडेड टू फ्लाई काइट. हमारा जब तक दूसरा मैटर, जब तक हमारी दूसरी उस रीजन की वजह से जो काम हो रहा है, दूसरे रीजन की वजह से जो काम आ रहा है वो हमारा ज्यादा मैटर करता है, ठीक है? अगर मैं बोलूँ सिंस इट वॉज विंडी, बाहर हवाएं चल रही थी, तो ठीक है चल रही थी तो चल रही थी, क्या फर्क पड़ता है. लेकिन भाई हमने क्या डिसाइड किया? वी डिसाइडेड टू फ्लाई काइट्स, की बाहर हवाएं चल रही थी तो हमने पतंग उड़ाने का डिसाइड किया. ओके स्टूडेंट, नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट. एक्सरसाइज करेंगे सो दैट यू कैन गेट क्लियर ऑल द थिंग्स विथ मोर प्रॉपर. ही कुड नॉट राइट प्रॉपरली बिकॉज ही हैड ब्रोकन हिज हैंड. वो अच्छे से नहीं लिख पाया, तो इसमें व्हाट इज द कंजंक्शन? क्यों नहीं लिख पाया? व्हाट इज द रीजन? What was the reason? Because he had broken his hand. क्योंकि उसका हाथ टूट गया था. तो what is the because here? Because is the conjunction word. देखो, इसने first sentence को और इसने ये second sentence को आपस में join कर दिया. As it was snowing, Reha could not see the bend in the road. जैसा कि बाहर snow हो रहा था, रिया को कुछ सड़क पे अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा था. देखो conjunction इसमें हमारे शुरू में आ गया ना, और बीच में हमने कॉमा का भी यूज कर दिया. तो अगर कंजंक्शन हमारा किसी भी सेंटेंस में शुरू में आता है तो वी ऑलवेज यूज कॉमा विद इन अ सेंटेंस. सिंस जोया वाज लेट टू ऑफिस शी टुक एन ऑटो. अब देखो ये मैंने आपको क्या बताया था, सिंस का यूज टाइम के लिए. तो सिंस जोया वाज लेट टू ऑफिस, कि जोया अपने ऑफिस के लिए लेट हो गई थी भाई, ठीक है हो गई थी, तो शी टुक एन ऑटो. क्या किया उसने भाई? वो अपने ऑफिस के लिए लेट हो गई थी, टाइम दिखा रहा ना, निकलने में लेट हो गई थी, ठीक है, तो उसने एक ऑटो ले लिया. सिंस इट इज संडे एवरीथिंग इज गोइंग, एवरीबॉडी इज गोइंग आउट. कि जैसा कि संडे था तो सारे लोग बाहर जा रहे थे घूमने. आई कुड नॉट अटेंड द पार्टी एज आई हैड टू कम्प्लीट माई असाइनमेंट. लाइक मैं पार्टी अटेंड नहीं कर सकी. एज क्या है? रीजन दिखाने के लिए मैंने बोला था ना आपको, क्या एक तरीका एज का यूज हम क्या करते हैं, एक तरीका एक रीजन को दिखाने के लिए भी हम यूज करते हैं. तो हमने क्या बोला, आई कुड नॉट अटेंड द पार्टी एज आई हैड टू कंप्लीट, बिकॉज मुझे अपना असाइनमेंट कंप्लीट करना था. वी कैंसल्ड आवर ट्रिप टू असम बिकॉज ऑफ रेन्स, कि हमने अपना असम का ट्रिप कैंसिल कर दिया. व्हाट इज द रीजन टू कैंसिल द ट्रिप? Because of rains. Because is a conjunction word here. I am waiting for Namita since morning. I am waiting for Namita. वो कह रही है मैं नमिता का वेट कर रही हूँ. कब से? Since मतलब टाइम को दिखाने के लिए. Since morning. सुबह से वेट कर रही हूँ मैं नमिता का. तो since here, since is a conjunction word. She is
एज परफेक्ट एज शी कैन बी, वो बिल्कुल परफेक्ट है जैसा कि वो हो सकती है, जैसा कि उसको होना चाहिए. तो हेयर एज इज द कंजंक्शन वर्ड. नाउ इन दिस एक्सरसाइज सी कंप्लीट दीज सेंटेंसेस विद द हेल्प ऑफ कंजंक्शंस. राहुल कुड नॉट राइड द बाइसिकल. राहुल राइड द साइकिल, वो अपनी साइकिल को नहीं चला पाया. डैश इट वॉज टू बिग फॉर हिम. तो इसमें क्या लगेगा भाई, क्या रीजन था राहुल अपनी साइकिल को नहीं चला पाया? व्हाट इज द रीजन? बिकॉज वो बड़ी थी, राहुल इतना सा था, साइकिल इतनी बड़ी थी. तो इसमें क्या आएगा, एज इट वॉज बिग फॉर हिम. गरिमा कुड नॉट गो टू स्कूल. गरिमा स्कूल क्यों नहीं गई थी, क्या रीजन था? बिकॉज शी वॉज नॉट फीलिंग वेल, क्योंकि वो एक अच्छा फील नहीं कर रही थी. Dash theater was close by. We decided to walk. तो क्या आएगा इसमें? As the theater was close by, ठीक है? We decided to walk. तो इसने एक तरीका बताया कि as जो हमारा theater था वो close था, तो हमने क्या, कैसे जाने का? Walk करके जाने का एक तरीका बताया ना कि भाई theater पास में था, तो उसी तो हम walk करके चले गए. Dash we were in Delhi, we thought we could visit Lotus Temple. तो ये क्या कह रहा है, एक टाइम बता रहा है. Since we were in Delhi, we thought we would visit Lotus Temple. कि हम दिल्ली में थे तो हमने सोचा कि हमें Lotus Temple भी जाना चाहिए. He switched on the heater. It was getting too cold. तो उसने हीटर का स्विच ऑन कर लिया. Because क्यों किया? What is the reason? क्योंकि उसको it was getting too cold. उसको बहुत ठंड हो रही थी, बहुत ठंड लग रही थी. Dash the test was postponed. We play basketball. Since the test was postponed, एक टाइम दिखा रहा है कि हमारा जो टेस्ट था वो postponed हो गया था. मतलब वो टाइम निकल गया था, वो टाइम postponed हो गया था. वो टेस्ट पोस्टपोन हो गया था उस टाइम पे. तो हमने क्या किया, वी प्लेड बास्केटबॉल. तो हमने क्या खेला, बास्केटबॉल खेला. ओके स्टूडेंट्स, नाउ वन मोर एक्सरसाइज वी विल डू. कंप्लीट दिस सेंटेंसेस विद द हेल्प ऑफ कंजंक्शन गिवन बिलो. वेरी इजी, वेरी सिंपल. प्रीति इज ऑनेस्ट डैश काइंड. तो प्रीति क्या थी, प्रीति इज ऑनेस्ट और दयालु थी, काइंड थी. प्रीति इज ऑनेस्ट एंड काइंड, ठीक है? प्रीति ऑनेस्ट भी थी और दयालु भी थी. डू यू वॉन्ट, वी आर ऑफरिंग अ चॉइस. यू रिमेम्बर मैंने कहा था कि और का यूज, वी आर ऑफरिंग अ चॉइस टू समबडी और समवन. अगर कोई गेस्ट आता है तो हम बोलते हैं ना, वुड यू लाइक टू हैव अ टी और कॉफी. तो हियर डू यू वॉन्ट कॉफी और टी. आई ट्रस्ट हिम, क्या आएगा? I trust him. Dash he speaks the truth. बताओ यहाँ पे क्या आएगा, मिश्रिता आप बताओ क्या आएगा यहाँ पे. I trust him because he speaks the truth. He, मैं उस पर विश्वास करता हूँ क्योंकि वो सच बोलता है. Very nice. He is poor. Dash honest. तो he is poor, वो गरीब है. बोलो क्या आएगा सोहम भी, टेल मी क्या आएगा सोहम यहाँ पे. He is poor but honest. कि वो गरीब तो है लेकिन ईमानदार है. गरीब है लेकिन ईमानदार है. तो स्टूडेंट्स हियर यू सो कि हमने कैसे कंजंक्शन को सेंटेंसेस में ढूंढा, कि कंजंक्शन वर्ड्स क्या होते हैं हमारे, और उसको हम अगर हम कोई फिल इन द ब्लैंक्स या कोई कुछ एक्सरसाइज करते हैं, हम उसमें कैसे उसको अपना ब्रेन लगा के, अपना दिमाग लगा के कैसे उसको सोचते हैं, और कैसे हम कंजंक्शंस को सेंटेंसेस में, फिल इन द ब्लैंक्स में अप्लाई करते हैं. नाउ हियर इज द वर्कशीट. यू हैव टू डू इट एट योर होम. इट्स अ वेरी सिंपल. सर्कल द कंजंक्शन एज यू आर अवेयर कि कंजंक्शंस क्या होते हैं. क्या होते हैं, एंड हो गया हमारा, और हो गया, इफ हो गया, सिंस हो गया, बिकॉज हो गया, और हो गया, बट हो गया. दीज आर कंजंक्शंस. बट यू हैव टू रीड द सेंटेंसेस एंड यू हैव टू सर्कल, यू हैव टू सर्कल द कंजंक्शन वर्ड. ओके, एंड इन लास्ट एक्सरसाइज
ये भी हमारी बहुत इजी एक्सरसाइज है, जैसे हमने ऊपर फिलिंडा ब्लैंक्स कर किए थे, इन द सेम वे यू हैव टू डू इट. ओके, यू हैव टू यूज एंड और बिकॉज. ओके, नाउ ये भी आपको एक्सरसाइज अपना घर पे करनी है. आपको कंजंक्शन अपने अपने सेंटेंसेस बनाने हैं. ओके, वर्ड्स और फ्रेजेस को ज्वाइन करते हुए जो आपको दिए, इनको यू हैव टू मेक द सेंटेंसेस. एनी डाउट एनी क्वेरी यू कैन कॉल मी और यू कैन टेक्स्ट मी. ओके, द क्लास इज ओवर फॉर नाउ. सी यू टुमारो स्टूडेंट. बाय. होप यू एंजॉयड द सेशन. बाय बाय. हैव अ नाइस डे.